समाजवादी की सरकार के चलते जल निगम में नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती करने के आरोप में एसआईटी द्वारा सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने की सरकार से अनुमति मांगने पर आजम खान ने कहा कि ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पैसे के लेनदेन की कोई शिकायत नहीं है। आजम खान ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नौकरी देने का वादा किया था लेकिन दी नहीं। एक स्टेट के मंत्री ने पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी दी है, कोई पाप नहीं किया है। आजम खान ने कहा कि हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, लिया नहीं है। बच्चों को रोजगार देने की जो भी सजा होगी भुगतेंगे। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ जी। कोई शिकायत पैसे के लेन देन की नहीं है। ये गलती हुई है कि बेरोजगार बच्चों को, पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था नौकरी देने का, वो नहीं दे सके। एक मंत्री ने नौकरी दी है, स्टेट के मंत्री ने, कोई पाप नहीं किया है। ये बच्चे हाईकोर्ट से भी मुकदमा जीते हैं, सरकार अपील में गई बच्चों की रोजी के खिलाफ, नौकरियां देने के खिलाफ सरकार अपील में सुप्रीम कोर्ट गई कि इन बच्चों को बेरोजगार कर दिया जाए, भीख का प्याला दे दिया जाए इनके हाथ में। जिन बच्चियों के रिश्ते लग गए थे, रिश्ते टूट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील डिसमिस कर दी है। अब ये दोबारा हाई कोर्ट में जा रहे हैं और ये जिद है कि बच्चों को कैसे बेरोजगार किया जाए। हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, लिया नहीं है। अब बच्चों को रोजगार देने की जो भी सजा हो भुगतेंगे। तो सर, जिस तरीके से कोर्ट ने भी इस अपील को वो किया है खारिज, तो फिर उसके बाद कैसे, किस नजरिए से देखते हैं कि क्या कोई नजरिया ही नहीं है। नजरिया है सिर्फ हिंदू मुसलमान, दंगा फसाद, लड़ाओ, मस्जिद मंदिर, ईद, होली, कब्रस्तान, शमशान, बस और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके बराबर। भाजपा के पास नफरत, नफरत। हमने दिल जोड़े हैं, नौकरियां दी हैं। मुसलमान बच्चे तो गन चंद होंगे, चार पांच होंगे। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से शानी बंसारी। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरें और नए नए वीडियोस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बैल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। ग्लोबल टुडे।